रहे हैं और हम फिर हम चेंज भी करते रहेंगे। नहीं आवाज आ तो मेरी आवाज आ रही है सबको बच्चा? यस सर, अभी तो आवाज आ रही होगी ना मेरी, प्रॉपरली आवाज आ रही राइट? अब तो ठीक है। ठीक है सर। नहीं, सुबह सुबह थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा थोड़ा डाउन होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आवाज प्रॉपर आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे अभी हमारा टेस्ट हुआ था, ठीक है ना, तो टेस्ट में जब भी आपके आता है, ठीक है ना, मान के चलो पेपर, मान के अगर जैसे बोल रहा हूँ, जैसे मान के चलो आपको लग रहा है कि पेपर आपका हार्ड लग रहा है या आपका मीडियम लग रहा है, तो ये बात ध्यान रखो कैसे आपको अप्रोच करना है। सबसे पहले ये अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन कर लोगे, 8 से 10 क्वेश्चन इजी होते हैं हमेशा हमेशा, ध्यान रखना, खाली आपको पहचान में आना चाहिए क्वेश्चंस को, इतना आप सही इनिशियल सही करने की कोशिश करो। देखो अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, 3 घंटे एक पेपर है, आपको हर एक सेशन को कम से कम 45 से 50 मिनट देना है, इतना टाइम ही देना है। रीजन बता रहा हूँ, मान के चलो आपने केमिस्ट्री किया 50 मिनट, पूरा क्वेश्चन देख लिया, फिर फिजिक्स किया, फिर मैथ्स किया, तो आप बोलोगे बाय द एंड ऑफ द चीजें आपके पास आधा घंटा बचेगा हर चीज को रिव्यू करने के लिए, कि हाँ मैंने सही किया था नहीं किया था, मैंने कितना टिक किया है। तो टाइमिंग थोड़ा देखते रहना, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा न्यूमेरिकल सही जा रहा है तो करो, अदरवाइज छोड़ दो क्वेश्चन, सच बता रहा हूँ। जैसे जैसे मान के चलो अगर मैं पेपर की बात करूँ, मेरे हिसाब से 31 वाला जो क्वेश्चन है ये आपका इजी क्वेश्चन है, थर्डू इजी लेवल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अभी सिर्फ बता रहा हूँ कौन से इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये जो भी आप ऑर्गेनिक क्वेश्चन, तो ये सारे आपके मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इजी है, 3 क्वेश्चन मैं आपको देख के से बता, इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इजी है, 41 इज द इजी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ गया। क्वार्टेड क्वेश्चन इजी है, ठीक है ना, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। अगेन ये मैं आपको सुपर इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, और भी क्वेश्चन आपको जब कराऊंगा मैं तो आपको और इजी लगेगा, डोंट वरी, ये क्वेश्चन इजी है। सर क्वेश्चन ढूंढो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 51 क्वेश्चन इजी है, 51 क्वेश्चन इजी है, और देखते हैं मैं। ओके 59 क्वेश्चन इजी है, ठीक है ना। अब मेन बात पता क्या है, व्हाट इज द परसेंट पूछा गया है। अब सिंपल सी बात है, इस कंपाउंड में कितना ऑक्सीजन है उसका मास काउंट करना है आपको, ठीक है ना। अब मेन बात पता क्या बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, आपको जो एनटी है, जो जेई बच्चों, वहां पे आपको सब हर एक एटम का मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास मेंशन करें, यहाँ पे नहीं दिया गया। तो ये अभी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन टफ हो सकता है, लेकिन वहां पे आ जाएगा। तो आप बोलोगे 5 क्वेश्चन आपका, 5 से 6 क्वेश्चन आपका सुपर इजी क्वेश्चन है, आपका सोचने वाली बात नहीं है। बाकी मैं अभी आपको ऑर्गेनिक क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट, बिकॉज ऑर्गेनिक ज्यादा मैटर करता है अभी आपको, समझ बच्चों। ऑर्गेनिक को टैकल करना आसान है, ऑर्गेनिक के ऑप्शंस बहुत जल्दी लिमिट हो जाते हैं, तो ये समझ रहे हैं आप। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हो, क्या स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। क्या क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों ये ना, हाँ या ना। यस अब देखो जो पहला क्वेश्चन है बच्चा, ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कैसे बच्चों, जो कि आपके सॉलिड में है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चों आपका गैस में है। तो बोला क्या बच्चों, ये मेरे क्वेश्चन से अगर मैं फिक्स टेम्परेचर पे कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करूंगा, तो बोला है कि मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पर जाएगा। अब बताओ जब भी हम इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग की बात कर रहे थे, हम कौन से कंपाउंड को देखते हैं, कौन से स्टेट को देखते हैं,
हम खाली गैस के पार्ट, गैस वाले पार्ट को देखते थे ना, याद है कि नहीं? याद है, मुझे मैंने आपको बताया था, याद है कि नहीं है? यस हम खाली गैस वाले पार्ट को देखते थे। अगर मैं सॉलिड ऐड करूंगा तो सिंपल से बता, आपका एक्यूब में कुछ शिफ्ट नहीं होगा, तो क्या होगा? इट विल रिमेन सेम, या सेम ही रहने वाला है, सिंपल, कोई चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो सॉलिड ऐड कर रहे हो, हमें खाली गैस वाले पार्टिकल। तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा? ये आपका सुपर इजी क्वेश्चन है। और इवन बच्चा आज का जो क्लास है, मैं चाह रहा हूँ आज आज का जो क्लास है बच्चा, कोई मिस मत करो, आप बहुत ध्यान से पढ़ाई करो, बिकॉज आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आज हम डी एंड एफ और आपका जो मेजर पार्ट है केमिस्ट्री, वो हम कवर करेंगे। अगेन पेपर को इजी बनाते हैं, मतलब कि हर सेक्शन क्वेश्चन आता है, जैसे वेस्पर थ्योरी आ गया, एमोड, सब थ्योरी आपको आता है एग्जाम में, तो डरने वाली बात नहीं है, आपको करेंगे, ठीक, करवाएंगे वाला पार्ट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते बच्चों, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कलर्ड और पैरामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। अब कलर मतलब बच्चों, जब भी आपको कलर या उसके बारे में आएगा, आवाज आ रही है बच्चा? हेलो, अच्छा अभी मेरी आवाज सही आ रही है ना अभी? यस ओके। तो बच्चे देखो कलर पैरामीटर दिखना है। अब देखो सिंपल सी बात है, कॉपर होता है, एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो बच्चे क्या होगा कंफ्यूजन? आप बोलोगे आर्गन 4s1 3d 10, क्या बच्चों? डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करो, अभी आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो Cu- कॉपर प्लस, तो ए का क्या बच्चों? ए का आपका कॉपर प्लस आया, बहुत बढ़िया। बी देखो, तो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आपका बनेगा 3K प्लस एन सी यू सी फोर, यहाँ पे आएगा थ्री माइनस आएगा, तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे कॉपर तो क्या आएगा? कॉपर आएगा, अगेन यहाँ पे कॉपर प्लस ही आएगा, कॉपर प्लस आएगा। अगेन ये पूरा कंपाउंड है, कॉपर आएगा। अब कहाँ देखो बच्चों, हाँ आवाज आ रही है बच्चा? अभी आवाज आ रही है? तो देखो अभी इसका देखो, तो क्या देखो Cu2+ और F2F-, तो यहाँ पे कॉपर 2+ है। अगर आपको कॉपर 2+ है तो बच्चा मतलब बच्चा क्या होगा? 4s0 3d9। अब क्या बच्चा, आपका डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, डी में आपका 9 इलेक्ट्रॉन है, कैसे कर पाओगे? ध्यान समझो, तो क्या कहता बच्चों, करता हूं मैं यहाँ पे इसका वो बनाता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया, वैसे खाली समझाने के लिए यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या बच्चों, आपका ऑर्बिटल खाली है, तो क्या बच्चों का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तभी, तो सिंपल। और ये क्या, ये खाली, ये आपका पैरामैग्नेटिक है, और देखो आपका कोई भी पैरामीटर नहीं है, खाली सी वाला ऑप्शन क्या है, खाली आपका पैरामीटर, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? ये पार्ट सारे बच्चे, दीपिका, हरि, आयुष, साक्षी, संदीप, सारे बच्चे लोग जी। तो ये बच्चों मेरे को बताया, अगेन बच्चे बोल रहा हूँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, अगेन इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपको खाली ये ढूंढो कि हाँ, सबसे तो आपके मन में आना चाहिए कि इजी है। अगर आप यही सोच के बैठोगे कि हार्ड है, मीडियम है, हार्ड है मीडियम, तो हार्ड ही लगेगा, तो हार्ड मत सोचो, सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन करते जाइए आएगा, ठीक है ना? इनिशियली आपको सबको ऐसा फील होगा यार सब कुछ मैं भूल रहा हूँ, नहीं, जैसे आपको एग्जाम आएगा तो आपको सारे फॉर्मुलाज याद आएंगे, सब कुछ याद आएगा, डोंट वरी, आएगा याद, ये नेचर ही ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, ओके तो बच्चा अभी के बच्चे देखो, अभी मैं आपको 34 वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब बच्चे बता क्यों रहा हूँ? बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख रहा है B2S6 H2 H2NOH, ये क्या बच्चों? ये आपका है
हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन, या आपका हाइड्रो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, तो क्या बच्चों करेगा, या आपका एंटी मार्कोनी फॉलो करेगा, क्या कर रहा है, या आपका एंटी मार्कोनी फॉलो करेगा, मतलब क्या, जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे आपके ओ जुड़ने वाला है। तो देखो, अब देखो यहाँ पे आपका एक बॉन्ड है, देखो है ना, तो ये जो एमी है बच्चों यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, तो एंटी मार्क फॉलो करने वाला है। आपका OH कहाँ पे OH आके जुड़ेगा, क्या ये आपका ऑल्कोहल डालेगा ना, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका यहाँ पे जाकर, यहाँ पे साइक्लोजन पीएच यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका OH आ जाएगा और यहाँ पे आपका एमी आ जाएगा। तो ये क्या बना बच्चों, ये आपका पहले दो से बना। तीसरा क्या दिया बच्चों, तीसरा आपका दिया है कंसेंट्रेट H2SO4 और यहाँ पे क्या हीट। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके हर एक ऑप्शन में क्या दिख रहा है बच्चों, आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो मतलब जो वहां से आपका H प्लस वाटर निकला होगा। तो देखो जब भी आपको यहाँ पे ये दिखे, तो उसका मतलब बच्चों यहाँ से आपका वाटर रिमूव हुआ होगा, निकला होगा। अब मेन बात वही है, कहां से निकालेंगे हम, कहां से निकालने वाले हैं, ध्यान समझो। अब देखो ये पार्ट, अगर मैं यहां से H प्लस निकालू तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका पॉजिटिव बनेगा, ये भी, ये क्या बच्चों, ये क्या होगा, देखो H प्लस आएगा, H प्लस आएगा, ये एसिड है, H प्लस करेगा इसके रूम पर ये दे देगा, तो क्या बच्चों वाटर बनेगा, यहाँ पे ये वाटर बनेगा और क्या बचोगा H2 पॉजिटिव होगा, वाटर बन निकल जाए, तो क्या होगा ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल गया, तो बच्चों क्या होगा, ये भाई साहब ऐसा कुछ होगा, अब यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या बच्चों देखो यहाँ पे H है और आपका यहाँ पे H है ना, आप देखो यहाँ पे भी H है और यहाँ पॉजिटिव, दोनों जब H है, अब मेन बात क्या, मैं कहाँ से H निकालूंगा, तो बच्चों कहाँ से बच्चों बोलूंगा, जांच टेबल होगा, तो यहाँ से ब्रेक होगा, तो क्या हो चुका आप बोलोगे, यहाँ पे आपका डोनर बॉन्ड बनेगा, सिंपल। देखो यहाँ पे तो नहीं आ सकता, यहाँ पे तो नहीं आ सकता, और ये तो भाई कुछ अलग ही दिख रहा है, तो क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन JEE में पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन JEE में आता है, तो सारे बच्चे नोट कर लो, पहला आपका आवाज आ रही है बच्चा, अभी आवाज आ रही है, अभी आ रही है आवाज प्रॉपरली, जी नहीं अभी आप, अभी आवाज आ रही होगी, तो मैं ये बोल रहा हूँ, पहले आपका हुआ मार्कोनिको रूल, दैट इज हाइड्रोबोशन, जहां पे ज्यादा कार्बन है तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, वो अल्कोहल बन गया, फिर लास्ट में वो आपका हुआ डिहाइड्रेशन, लास्ट में आपका डिहाइड्रेशन हो गया, काम खत्म, समझिए बच्चा ये पार्ट, हाँ या ना, ऐसे क्वेश्चन JEE में आते हैं, ये क्वेश्चन JEE के रिलेवेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे नोट कर लो, सारे बच्चे नोट कर लो कि रीजन, हाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगेन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों, आगे नूडल कर लिया सबने, सबने नूडल कर लिया जी, ओके सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये पहला रीजन, क्या आपने बच्चों ये रीजन देखा है, कोल डाइल्यूट एल्केन KMR4, क्या आपने देखा है बच्चों, हाँ या ना पहले बताइए, कोल्ड कंडीशन में अल्कलाइन क्यों, क्या सुना आपने, हाँ या ना, क्या करता है,
देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर जो होना क्या चाहिए था, देखो यहाँ पे त्रिपरबण होना चाहिए था, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन डाउट है। देखो तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपका डायोज बनाता है, ये आपका डायोड बनाएगा, कहाँ बच्चों, जहां पे आपका कार्बन कार्बन और जुड़ा हुआ है, सुना ना, बेस रिएजेंट, बेस रिएजेंट राइट, ये आपका बेस रिएजेंट का पार्ट है। तो क्या बचोगा, ये आपने ऐसे डाला लिखा यहाँ पे, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका OH ऐसा होना चाहिए था, और आपका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपके बच्चों यहाँ पे क्या, आपके यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है ना, जबकि नहीं होना चाहिए था, ज्यादा मुझे लगता है नहीं होना चाहिए था। फिर बच्चों देखो यहाँ पे बोला गया HIO4, ये बच्चा कि आपके नया रेजेंट है, HIO4 क्या बच्चा आपके नया है, तो करता क्या, क्या बच्चा क्या करेगा, हेलो आवाज आ रही है बच्चा, कह रहे बच्चों आपके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, आपके बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराएगा, मान के चलो यहाँ पे डाल उसको ब्रेक कराया, क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बच्चों क्या होगा, जहां पे आपका अल्कोहल हो बच्चों वहां पे क्या बनेगा, वहां पे आपका बनेगा कीटोन, मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, देखो ऐसा बनेगा, ऐसा हुआ डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड हो यहाँ, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन ना, ऐसा बन जाएगा। तो जहां पे आपका अल्कोहल है वहां पे आपको ऐसा बन जाएगा, तो कब बच्चों, जब आपने डाला तो बॉन्ड ब्रेक हो और यहाँ पे आपका ये बन गया, तो बच्चों क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका अल्कोहल का क्या हो रहा है, एल्डिहाइड बन, तो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन बच्चों, तब तो बोलोगे यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, क्या बच्चों यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो अब बच्चों क्या बोला, अब यहाँ पे बोला गया OH-, ये क्या है बच्चों, ये भाई साहब बेस, क्या करें बच्चों, ये आपका बेस है, बेस से बच्चों क्या करेगा, बेस H+ निकालेगा, क्या बच्चों करेगा, बेस आपका H+ निकालेगा राइट, कहाँ से निकालेगा बच्चों, तो यहां से निकाल सकता है CH2-, ये बना दिया। अब बच्चों क्या होगा, अब देखो अभी आपका न्यूक्लियर एडिशन होगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पे आके अटैक करेगा और ये बॉन्ड से ब्रेक हो, तो क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपको बनेगा O- बन जाएगा। तो बच्चों जो कितना मेंबरिंग बना, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो आपका 6 मेंबरिंग बन रहा है, ये ठीक है ना, तो आपके यहाँ पे 6 मेंबरिंग बन रहा है। हेलो हेलो आवाज आ रही है, यहाँ बच्चों का यहाँ पे आपका 6 मेंबर रिंग बन रहा है, यहाँ पे आपका 6 मेंबर रिंग बन रहा है। अब देखो जहां पे बन रहे, तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे बच्चों ऐसे बनाओ, ऐसे आप पहले आप यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनाओ और यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों देखो पहले और 6 कार्बन पे आपका बॉन्ड बना, पहले कार्बन क्या बच्चों, एक आपका O-, एक आपका क्या बच्चों, एक आपका मिथाइल ग्रुप है, और 5th कार्बन पे क्या बच्चों, 5th कार्बन पे आपका एक डबल बॉन्ड ओ है। अब बच्चों क्या होगा, अब रिएक्शन H+ हो, क्या होगा, अब यहाँ पे आपका H+ आ जाएगा और ये आपका आंसर बन जाए, तो क्या आंसर बच्चों क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या बच्चों होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों कैसे किया, पहले आपका बेस, यस पहले आपका बेस इज क्या हो बच्चा, आपका सेकेंडरी अल्कोहल किया, सेकेंडरी अल्कोहल का आवाज आ रही है, यस सेकेंडरी अल्कोहल किया सर ऑक्सीडेशन, तो कीटोन बना, फिर बच्चे क्या, फिर अगेन हमने बेस है, बेस ने एचप्लस निकाला और यहाँ पे आपका साइक्लोहेक्सेन बॉन्ड बन गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चों मैकेनिज्म समझ में आया बच्चों, कैसे हम कर रहे हैं ये पार्ट, हाँ है ना, मैकेनिज्म ऐसे बच्चों आपको ध्यान समझना है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को भी, हाँ एग्जाम में थोड़ा आपको क्वेश्चन
रुको 2 सेकंड, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही बच्चों? हाँ या ना? यस सर। तो थोड़ा कुछ बोला करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? आवाज आ रही है बच्चा प्रॉपरली? हाँ या ना? अभी आवाज आ रही है? यस सर। तो बच्चों इसको प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको आप बच्चा प्रॉपरली नोट कर लीजिए, कम ऑन। पहले आपका बेस एजेंट है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इससे, और बेस आपका एच प्लस निकाल रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है, लास्ट में हो रहा है आपको, हो रहा है साइक्लाइजेशन। ठीक है, समझो कैसे रिएक्शन हो रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 36 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना? कौन सा मुझे मार्कोनिकोव रूल लगाकर, हेलो आवाज आ रही है? यस सर। तो आपको मार्कोनिकोव रूल लगाना है और आपको 1-chloro-1-methyl-cyclohexane बनना है, मतलब भाई साहब आपको ये बनना है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CL, आपको ये बनाना है इन सारों को यूज करके। अब बजा सिंपल सी बात है, आपका ये तो नहीं बनाएगा क्योंकि बताओ यहाँ पे आपका दो दो डबल बॉन्ड है तो डी नहीं आएगा, आपको ए और बी को चेक करना पड़ेगा, यह दोनों भी हो सकता है। अब क्या अगर बच्चों हम ध्यान समझते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे डाला आपने HCl, बच्चा मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, क्या बोलता है मार्कोनिकोव रूल? जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे आपका सील जुड़ता है, राइट? अब बच्चा क्या होगा, ध्यान से जो ये एच प्लस होगा ये नेगेटिव होगा, है ना? दोनों आपका होगा, एच प्लस है और आपका सील माइनस है। अब देखो यहां पे आपका यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और बच्चों आप बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, आप यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, तो बॉन्ड को इस साइड से ब्रेक कीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, टर्शियरी कार्बोनेट बचा और स्टेबल भी होगा, तो क्या होगा, सीएल यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, एच यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा yes. तो बना बच्चो yes, sir. तो क्या बचो रहा है आपका, ए से तो आपका बन रहा है, अब बच्चा बी वाला चेक करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बी वाला चेक करना पड़ेगा, कार्बन का डबल बॉन्ड यहाँ पर है, राइट? मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ, इस बॉन्ड को ब्रेक किया मैंने, इस बॉन्ड को ब्रेक बना नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव, राइट? और क्या बच्चों, कौन सा वाला? अब देखो ये पार्ट है ना, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। मार्कोनिकोव रूल बच्चों क्या कहता है, या तो हमें कार्बोकैटायन स्टेबल चाहिए, आपको कार्बोकैटायन स्टेबल चाहिए, है ना? मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बड़ा करके ये सी से और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है? ब्लैक भी ले लेता हूँ। आवाज आ रही है बच्चा? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। अब देखो बच्चा, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इस साइड से ब्रेक करूं, इस साइड ब्रेक करूं, तो बच्चा क्या होगा, इसको हटाओ,
डोंट डू, तो क्या क्या आएगा? आप बोलोगे यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब बच्चों ये जो पॉजिटिव है कैसा बच्चों, ये आपका टर्शियरी कार्बोटाइन है जो कि स्टेबल है ना, जो कि स्टेबल है। तो बच्चों क्या होगा, जो आपका एच पॉजिटिव होगा, एक आपका सीएल नेगेटिव, तो सीएल कहाँ पे जाएगा, सीएल यहाँ पे जाके अटैक करेगा और एच यहाँ पे आकर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, ये तो बनेगा, ये बनेगा ना, बिकॉज सेम कार्बन पे आपका मिथाइल भी है क्लोरो भी है, तो क्या होगा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। डन बच्चा? यस सर। ओके जी, देखो बच्चों ये अपने इतना पढ़ हमने टॉपिक किया, बच्चों इसको नोट कर सकते हो, बच्चों नोट कर लो इस वाले पार्ट को। बच्चों इसको प्लीज प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो रहा है भाई सबका, सबका अच्छे से हो रहा है ये पार्ट है ना? ओके बहुत बढ़िया। चलिए अब देख बच्चों, अभी हम 37 वाले क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, ठीक है? देखो बच्चों ये आपका वार्नर थ्योरी से पूछा गया है। अब बच्चा ये कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड है बच्चों, से कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा क्रोमियम H2O6Cl3, क्या कुछ होगा क्रोमियम H2O6Cl3, ये बच्चों ऐसा कुछ होगा है ना। अब बच्चों क्या बोला यहाँ पे देखो, इफ 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन कंपाउंड इज प्रेसिपिटेटेड, मतलब कि तीन में से आपका 3 में से 1/3 क्या हो रहा है, पीपीटी बन रहा है। कब बच्चों पीपीटी बन रहा है, जब आप एजेंट डालो। अब 3 का 1/3 कितना बच होता है, आप बोलोगे 1, 3 का 1 थोड़ा 1 होता है। इसका मतलब बच्चों आपका कंपाउंड में क्या हो चाहिए, आपका ब्रैकेट के बाहर खाली आपका एक ही क्लोरीन ग्रुप है। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जहां पे आपका क्लोरीन में खाली बाहर खाली आपका एक ही क्लोरीन है? सी ऑप्शन। यहां देखो यहाँ पे खाली एक ही यहाँ पे सीएल है, मतलब कि बच्चों जैसे आप यहाँ पे एजीएम थोड़ा लोगे तो ये वाला आपका ये आपका पीपीटी बनकर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा एजी सील बनेगा। कितना बच्चों बनेगा आपका यहाँ पे 1 मोल, यहाँ बी वाले में के बच्चों क्या बनेगा, बी वाले बच्चों क्या बनेगा, ध्यान दो। हेलो हेलो आवाज आ रही है? यस सर। यस बच्चों बी वाले में क्या बनेगा, बी वाले में आपका एक भी नहीं बनेगा, क्यों बच्चों सारा का सारा क्लोरीन क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। डी वाले में कितना बच्चों बनेगा, 2 सेल बाहर है, तब क्या बोलोगे 2AgCl बनेगा। और ये तो पूरा कंपाउंड है, क्या बच्चों इसमें आपका 3 mol AgCl बने, क्यों बच्चों देखो 6 अंदर है 2-3 बाहर है जो कि ऊपर बनाया, सिंपल आ गया आपका आंसर। समझे बच्चों ये पार्ट आया ना? यस सर। बच्चों सोनाक्षी या मैंने देखो समझ में, तो कुछ पूछ सकते मुझे टीना, समझ में आया सर? फिर से बता दो एक बार। जब भी आपका कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो यहाँ पे बोल देते, यहाँ पे देखो मेरे पास एक कंपाउंड है, मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका ये फॉर्मूला है, जिसका ये फॉर्मूला है। अब अगर ये फॉर्मूला है तो कॉम्प्लेक्स बच्चों कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा क्रोमियम H2O6Cl3। ऐसे क्यों हुआ बच्चों, बिकॉज यहाँ पे क्रोमियम का सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, सी बार है। अब बच्चों क्या बोला यहाँ पे देखो, अब ये बोला गया कि इफ 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन, 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन कंपाउंड इज प्रेसिपिटेटेड कि बाहर आ जाए। अब यहाँ पे आपका 3 क्लोरीन बाहर है, तो 3 × 1/3 कितना होता है, आप बोलोगे 1। अब उसके बोलोगे
कि आपका वन क्लोरीन पीपीट बन रहा है, आपका वन मोल क्लोरीन क्या इसका आपका पीपीटी बन रहा है। तो मतलब क्या बच्चों, आपका खाली के अंदर है, तो ऐसे कौन सा कंपाउंड है जहां पे आपका ऐसा कौन सा कंपाउंड जहां पे आपका सीएल एक ही सेल बाहर है। सब बोलोगे ऑप्शन सी में खाली आपका एक मोल सेल बाहर है बाकी सब अंदर है, तो क्या आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चों? ऐसे क्वेश्चन भी जेडब्ल्यू के लिए काफी अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, ये आपका जेडब्ल्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और आज हम सारे इसी पार्ट को प्रॉपरली करने, आज हम इसी पार्ट को प्रॉपरली करेंगे, तो ध्यान से सारे बच्चे समझना, ये पार्ट बच्चे हम करने वाले आज। चल आगे बढ़े बच्चों। अगेन ये पूरा पार्ट हम बाद में करेंगे, बिकॉज हमारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट हमें मेन वाला पार्ट है, ठीक है ना, और इजी वाला पार्ट। देखो ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया गया है, ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया गया है। अब बोला क्या बच्चों, मैच करो, जिसका मैचिंग नहीं हो रहा वो आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है, ये आपको बोला गया है। अब यहां पे देखो पहला क्या बच्चों, देखो पहला ये पार्ट है 1s2 2s2 2p5 के बच्चों किसका है, ये आपका फ्लोरीन का है ना। फ्लोरीन क्या बच्चों, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियड टेबल, ये पार्ट सही है। तो क्या होगा, जहां पे आपका ए है उसको हटा दो, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और बोला सारे गलत है, ये भी नहीं आएगा, तो क्या आंसर बच्चों ऑप्शन ए। तो आप देखो खाली एक ऑप्शन जान के आपने सारा क्वेश्चन कर लिया, इनकेट बोला है ना, खाली क्या बोला, खाली इनकेट बोला गया था ना सर। टू तो वैसे भी गलत लग रहा है पढ़ के, तो गलत लग रहा है मतलब, हाँ इनकरेक्ट बताना ना, हाँ इनकरेक्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो एक बार चेक करते हो, डोंट वेट, देखो ओके 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 कौन सा एलिमेंट है, 4 3 7 कौन सा बच्चों, ये आपको आप बोलोगे आपका नाइट्रोजन है ना, ये आपका नाइट्रोजन है, इट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड एंड फिफ्थ ग्रुप, हाँ तो फिफ्थ ग्रुप थोड़ी है ना, नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में बिलोंग करता है, ग्रुप कौन सा आता है उसका, 15th ग्रुप है, 15th ग्रुप है, तो ये भाई साहब क्या है, गलत है ना, yes, गलत है, आपको जो गलत है वही बताना था। अब देखो 1s2 अगर, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे 2 आएगा 1s2 2s2 अगर, यहाँ पे 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 क्या बच्चों, ये आपका निकल है, थर्ड वाला आपका निकल है, क्या निकल डी ब्लॉक एलिमेंट बच्चों, yes, हाँ sir. ये डी ब्लॉक एलिमेंट। अगेन 1s2 2s2 यहाँ पे अगेन इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 2p आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 3s2 3p6 क्या बच्चों, लास्ट में आपका आपका ऑटोमोस 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या बच्चों 18 ग्रुप, क्या बच्चों नोबल गैस है, हाँ नोबल गैस है, तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, इसलिए बोलो देखो कभी कभी ऐसा भी आएगा आपका, खाली एक क्वेश्चन पढ़ो सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, मैच द फॉलोइंग में। मुस्कान है क्या बच्चा, मुस्कान मुस्कान है तो प्लीज हैंड रेस्ट पे बच्चा, हाँ समझ में आया मुस्कान कैसे हमने किया है पार्ट, मुस्कान बेटा हम सब डाल दे मुस्कान जी, समझ गए बच्चों ये पार्ट कैसे किया, यस सर। अब देखो ये आपका ये क्वेश्चन, ये आपका इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है बच्चा, ये आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। NaNO2HCl 0 से पार्ट जी क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट,
यहाँ पे आपका बनेगा डाइजर्म सॉल्ट एन टू पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, हीट वाटर दिया बच्चे क्या बनेगा? आप बोलोगे फिनॉल बनेगा, अल्कोहल बना, फिनॉल बना, फिनॉल बना, सी एस सी एल थ्री एन ओ एच, क्या बच्चों रायमन टाइम रिएक्शन है? कौन सा है रायमन टाइम रिएक्शन? याद दो, क्लोरोफॉर्म और बेस और फिनॉल है, तो क्या होगा आपका ऑर्थो पोजीशन क्या आएगा? है ना, ये आप रामन टामन नेम रिएक्शन है, ये आपका नेम रिएक्शन, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिंपल। तो ये आपका इजी क्वेश्चन है सर, दोबारा बता दो वाला। एनिलीन लिया है, डाइजोरम सॉल्ट डाला, डाइजोडाइजेशन किया, क्या बना? बेंजीन के ऊपर एन टू पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, वाटर डाला तो क्या बना बच्चों? अल्कोहल बन गया। अगर आपको बेंजीन बनाना तो बच्चे क्या डालोगे? तब आप यहाँ पर डालोगे ये पार्ट सी एस थ्री सी एस टू ओ एच डालो तो आपका बेंजीन बनेगा, वाटर डालो तो आपका अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बना, फिर आपका सी एस सी एल थ्री और एन ओ एच, ये आपका नेम रिएक्शन कौन सा बच्चों? रायमन टामन नेम रिएक्शन है, तो क्या होगा आपका ऑर्थो पोजीशन क्या आएगा? एल्डिहाइड आएगा, दैट इज बन गया टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्या बच्चों बनेगा यहाँ पे आपका बनेगा टू टू हाइड्रोक्सी, ये भी आपका एक इजी क्वेश्चन हुआ। अगेन सारे आपके नेम रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, सारे आपके नेम रिएक्शन में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे कुछ छोड़ना, इसलिए बच्चा बोल रहा हूँ, अगेन सिंपल सी बात है बच्चा, आप हर एक चीज नहीं पढ़ पाओगे, सच भी है, आप हर एक पार्ट नहीं पढ़ पाओगे, फैक्चुअल है। क्या करना बच्चा? कुछ नहीं करना, थोड़ा सा उसको बार बार रिवीजन कीजिए। क्या बच्चों? नेम रेशियो को बार बार रिवीजन कीजिए, रिएजेंट को बार बार रिवीजन कीजिए, ये तो कर सकते हो ना, जितना है आपके पास उतना करो, पर करो। तो बच्चों में हमें क्या मिला अभी तक? हमें 7 इजी क्वेश्चन मिल गया, बस वो 7 इजी टिक कर दो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, थोड़ा रिस्क लेकर 11 बार तक पहुंचने ट्राई करो, क्यों नहीं आएगा? आएगा आंसर, सब आंसर आएगा। तो इजी क्वेश्चन, ये आपका इजी क्वेश्चन है, डायजोडाइजेशन, फिनॉल और आपका रामन टामन, अगेन पूरा आपका नेम रिएक्शंस भरा हुआ है पूरा पार्ट। डन बच्चा, नोट के लिए सबने ये पार्ट? Yes, आगे बढ़ते हैं। आगे साजिया मुझे यही क्वेश्चन पूछता है, 43 क्वेश्चन पूछे थे, राइट? है ना? तो बच्चा ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, फिलहाल अभी के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, फिर बच्चा हम आगे बढ़ करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमें अभी फिलहाल ऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है ना? 45 क्वेश्चन बच्चों, अब ये क्वेश्चन अगर आपने किया तभी आपको आएगा, दरअसल ऐसा नहीं आएगा। इससे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, हम इसे इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब बच्चा क्या होगा यहाँ पे? आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बच्चों यहां से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, बच्चों कैसे होगा देखो, ये नेगेटिव एक दो तीन और ये चार, ठीक है, थ्री फोर में क्या बचा आपका? सी एच टू, सी एच टू, दो सी एच टू है, ये एच यहाँ पे गया, ये एच यहाँ पे जा रहा है और ये पूरा पार्ट यहाँ पे जा रहा है, तो बच्चे क्या आंसर दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कैसे बच्चों यहाँ पे देखो, सर ये दो ऐसा कुछ है, सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव सी एच टू सी एस टू, फिर अगेन ओ नेगेटिव, तो एच यहाँ पे चला गया और आपका यहाँ पे ओ सी एस थ्री यहाँ पे चला गया, क्या बना? सी डबल ओ सी एस थ्री, सी डबल सी एस थ्री और यहाँ पे ओ एच, तो ऑप्शन बी जेड। तो क्या यहाँ पे खाली पता नहीं चल, पता चलना चाहिए कि बॉन्ड कैसे ब्रेक करो, आ गया आपका आंसर, सिंपल।
उस टाइम आपको शायद पता ना चले, लेकिन ऐसा बॉन्ड ब्रेक होता है। या मनी, सारे बच्चे समझ में? टीना, साजिया, इशिता, रश्मि, रिपीट कर दो, ठीक है बच्चे? कुछ तो रहा, यहाँ पे आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। लेक्टोमेरिक हो चुका, यहाँ से बीच में से कार्बन, मतलब कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ऐसे ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या बच्चा बनेगा? आपका ओपन नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आपका इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3O नेगेटिव और यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव। H जाएगा यहाँ पर, ये आपका मिथॉक्सी जाएगा C पॉजिटिव पे, तो ऑप्शन बी आएगा राइट आंसर। सर मेरे बच्चे पढ़ कैसे कर रहे हैं? Yes. अभी समझ में आया होगा बच्चों, नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चा ये पार्ट हाँ या ना? Yes, sir. ओके बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा जो आपका 47 वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे तो आपका क्या बचोगा, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बच्चों क्या बोल, ध्यान समझो, आपको रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, आपको रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। हमने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? अगर हम मिथेनॉल यूज करते हो तो प्राइम बनता है, अगर आप नॉर्मल एल्डिहाइड यूज करते हो अदर देन मिथेनॉल तो आपका बनता है सेकेंडरी, और आप कीटोन ऐड करते हो तो आपका बनता है टर्शरी। इतना बनता है बच्चों, हाँ या ना? बनेगा, बनेगा ना बच्चों? यस सर, यस सर। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका इथेनॉल है जो आपका ऑप्शन ए है। बच्चों जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या बच्चों, वो आपका इथेनॉल है, तो क्या देगा बच्चों? ये भाई साहब देगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है? ये कीटोन है, क्या देगा? टर्शियरी अल्कोहल देगा। ये आपका नाइट्राइल है, ये आपका इथेन नाइट्राइल है, कैसे हो सकता है? अगेन ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा यहाँ पे, सॉरी हाँ यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा है ना, बिकॉज CH3MgBr में क्या होता है, हमें जानते हैं बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, तो क्या बचा होता है? यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे अटैक करेगा है ना, तो बच्चों क्या, ये भी आपका नहीं बनेगा, तो क्या हो रहा है? अगर ए बी और डी नहीं बना तो क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ये बच्चे कैसे हो, ध्यान दो, ये क्या बच्चों देखो, ये आपका इपॉक्साइड रिंग है। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन में कौन बच्चे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों? कार्बन और ऑक्सीजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप बोलोगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बच्चों क्या करो, इस बॉन्ड को सब ब्रेक कर दो तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पे आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। यहाँ से बच्चों आ रहा है, यहाँ से आपका CH3 नेगेटिव आ रहा है, कहाँ पर जाएगा? इसके पास जाएगा, यहाँ पे OH है, O माइनस है, तो क्या होगा रिएक्शन क्या H+ होगा, तो यहाँ पे H+ आएगा, देखो CH2OH CH2 यहाँ पे OH, तो क्या बना, ये आपका बना प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझिए बच्चों, क्या समझिए पार्ट, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, बन गया। अगले बच्चों देखो यहाँ पे, अगेन बताओ ध्यान दो, ओ यहाँ पर है CH2 और यहाँ बॉन्ड है, मैंने इस बॉन्ड का ब्रेक किया, तो क्या इस बॉन्ड घटाओ, यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, क्या हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास CH3 नेगेटिव है,
तो यहाँ पर अटैक करेगा CH2, यहाँ पर अटैक करेगा तो CH2 बना, क्या बना CH3 बना, तो क्या बना एक दो तीन, तीन मेंबरिंग बन गया, तीन का चेन आ गया, और नेगेटिव है रिएक्शन में एक्सप्रेस होगा, क्या होगा एक्सप्रेस आ गया, OH के पास OH के पास कार्बन है तो क्या बचो कैसा, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, सिंपल। आई होप आपको प्रॉपरली राइट, तो ये बात कर लिया जी बच्चा, ऑप्शन 48 बच्चा, ये तो बच्चा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ क्यों बच्चों, यहाँ पे फॉर्म बच्चों क्या आएगा देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, आपको ये देखना है कहाँ पे आपका नंबर मोल सही है। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन देखो क्या लिखा, देखो आपका राइट हैंड साइड में दो नंबर मोल, दो मोल है प्रोडक्ट में, दो मोल है और रिएक्टेंट में भी आपका दो मोल है, एक मोल हाइड्रोजन एक मोल आपका बी आर, दो हो गया तो आपका डेल्टा जी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्या बचाएगा डेल्टा एनजी जीरो आ जाएगा राइट, हाँ ना बच्चों, ये सर बता सर जी जी सर, आपका यहाँ पे डेल्टा एनजी जीरो आ जाएगा। ऑप्शन बी दे बच्चों, आप बोलोगे प्रोडक्ट साइड में आपका दो मोल है और रिएक्टेंट पे आपका एक मोल है तो टू मस बच क्या बनेगा, वो ना आएगा ना डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, आया ना ये करते हैं यस सर। ओके तो यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका वन मोल आपका बचेगा प्रोडक्ट में दो, यहाँ पे आपका दो, यहाँ पे वन वन है ऐसा है बस। थर्ड वाला देखो, आपको थर्ड वाला देखना है, राइट साइड में दो मोल है लेफ्ट साइड में चार मोल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपका माइनस टू आएगा, यहाँ पे डेल्टा जी माइनस टू आएगा, प्रोडक्ट में दो है माइनस रिएक्टेंट में चार है तो टू माइनस फोर माइनस टू आ गया। बच्चा डी वाला देखो, डी में क्या बच्चों, डी में आपका पांच है प्रोडक्ट साइड में पांच है और रिटर्न में आपका दो है तो कितना बनेगा, आप बोलोगे तीन आपका आएगा, तीन तो करेक्ट मैच कौन सा कोई है भी नहीं, है ही नहीं क्या है, तो कुछ चेक करता हूं मैं जरा यहाँ पर, बोला ऑप्शन बी। ओके तो सिंपल से बचो, ये आपका ऑप्शन ही गलत है, ये आपका क्वेश्चन गलत है बिकॉज ये आपका आंसर आएगा, तो जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन टिक किया होगा उनको फ्री मार्क मिलेगा अगर आपका क्वेश्चन जे में आता है तो, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन मेंशन नहीं किया है इस बच्चा, यहाँ देखो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन नहीं मेंशन नहीं किया है, कोई ऑप्शन नहीं है ना, कहाँ ऑप्शन है, ठीक है ना, अगेन ये आपका इजी क्वेश्चन है, हाँ हाँ ऐसा भी होता है और आंसर रॉन्ग है या ऑप्शंस नहीं है और आपने टिक किया तो आपको फ्री मार्क्स मिलेगा या तो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है, ठीक है ना जी। हाँ तो मिसप्रिंट होगी, उन्हीं गलती है ना, गलती तो उनकी है, इससे तो उन्होंने टिक नहीं किया है। अब जो अभी आपका यहाँ पे और एक ऑर्गेनिक क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे आपका और एक ऑर्गेनिक क्वेश्चन पूछा गया है, अब बच्चों ध्यान समझो कैसे आपको यहाँ पे इसको प्रॉपरली करना, ध्यान समझो E2N है, क्या बच्चों ये आपका सॉल्ट, ये क्या बच्चों ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या बच्चों ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, बच्चों क्या करेगा आपका यहाँ से H+ को निकल, तो क्या बच्चों क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा C, क्या बच्चों बनेगा यहाँ पे बनेगा आपका ट्रिपल बनेगा, हाँ यहाँ पे अच्छा क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे आपका एच पॉजिटिव बना, दो सेकंड रुको आवाज नहीं आ रही मेरी,
स्क्रीन दिख रही बच्चों, दिख रही स्क्रीन बच्चा? यस सर। जी अब बच्चों क्या ध्यान दे, उठो यहां से स्पर्श निकला तो यहां पे गया नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों क्या होगा, ये नेगेटिव जाएगा इसके पास, बच दो ऐसा ऐसा बने दो सी एस थ्री सी डबल बंडो सी एस थ्री। अब बच्चों क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव जाके यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बना, यहाँ पे एक एक आपका ऐसे रिंग बन गया, ऐसा आपका रिंग बना, नेक्स्ट में वाटर होगा एच प्लस आ गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, है ना? आप बोलोगे ऐसा ऑप्शन, लेकिन क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया, देखो यहाँ पे आपको हीट भी दिया है, क्या दिया बच्चों, यहाँ पे आपको हीट भी दिया है। चलो आवाज आ रही है? यस सर। ये क्या बच्चों, यहाँ पे आपका हीट भी दिया है तो क्या होगा बच्चों का, यहाँ पे आपका डिहाइड्रेशन भी होगा बच्चों, कैसा होगा देखो बच्चों, यहाँ पे आपका एच है, इस कार्बन में आपका सी एस थ्री है तो क्या बच्चों का, यहाँ पे ओ और यहाँ पे एच निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड आएगा, तो बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चों। लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत भी है, आप बोल सकते हो आपका ऑप्शन सी भी आ सकता है ना, अगर यहाँ पे हीट ना लिखा हो तो क्या बच्चों का ऑप्शन यहाँ पे आपका डी भी आएगा। क्या बोल रहा है भाई संदीप, क्या हो भाई? ठीक है, अगर बच्चों वहां पे अगर आपका हीट ना दे बच्चों का, यहाँ पे आपको ऑप्शन सी भी आ सकता है। तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन समझ लीजिए कैसे हम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे बच्चा मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए। आई होप ये पार्ट समझ में आया बच्चा है आपको प्रॉपरली। यस सर। यस सर। ओके सर। सर आपने स्पीकर पर करके बात की? नहीं नहीं स्पीकर पर नहीं, वो अलार्म बजा था तो अलार्म में है ना ऑफ किया था ना कुछ नहीं। ठीक है, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं नहीं वो अलार्म बजता इसलिए मैंने अलार्म बंद करा था। ठीक है ओके बच्चा, अगेन तो बच्चों अगेन ये आपका एक और एक ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो बच्चा इसको ध्यान समझे समझे बच्चों प्रॉपरली फिर आगे बढ़ते राइट। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान समझेंगे अगेन, ये क्या बच्चों आपका अमाइड का फंक्शन रूप है, दो सेकंड को, ये क्या बच्चों ये आपका अमाइड का फंक्शन रूप है। ठीक है अब बच्चों दो आपने यहां पे डाला P2O5, तो बच्चों क्या होगा ध्यान समझना, ये आपका कार्बन ग्रुप हटाएगा और क्या बच्चों ये आपका नाइट्राइल बनेगा, दैट इज ये आपका ऐसा कुछ बनाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड एन। एक बच्चों क्या है, ए आपका है सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। फिर बच्चों क्या बोले देखो, फिर आपको यहां पर डाला है रिग्नार्ड रेजेंट, तो बच्चों क्या बनेगा देखो सी नेगेटिव ये पॉजिटिव और यहाँ पे एच थ्री प्लस भी है, तो बच्चों कैसे होगा ध्यान बच्चा होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो क्या बच्चों का यहाँ पे आएगा सी एस थ्री राइट, यहाँ पे सी एस थ्री आएगा और बच्चों यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड एम जी बी आर यहाँ पे डन सर बच्चे, ये पार्ट हाँ या ना? ओके यस सर। फिर बच्चों का फिर आपको बोला गया हाइड्रोलिसिस, फिर क्या बच्चों का रुको देखिए कैमरा क्या फोटो, अब बच्चे होगा जैसे ही आपका ये लिखा हाइड्रोलिसिस तो हाइड्रोलिसिस क्या होगा, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और क्या बच्चों का यहाँ पे आ गया आपका अल्कोहल OH आ जाएगा, क्या बच्चों का यहाँ पे आपका अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है देन बच्चा, फिर आपको यहाँ पे लिखा है I2CaOH ये वाला पार्ट, अगेन बच्चों ये पार्ट थोड़ा सा अलग है बिकॉज कुछ रीजन आप यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हो, जैसे आपका I2 ये आपने बच्चा अभी तक दिखा नहीं होगा राइट, दिखा गया आपने रीजन वाला पार्ट अपने टेक्स्ट बुक में
क्या बच्चों का, ये बच्चों देखो ये रीजन आपने अभी तक देखा नहीं होगा, है ना। और बच्चों क्या होता है, ये आपका इनोल फॉर्म बनेगा, ये क्या, ये आपका इनोल फॉर्म बनेगा और आपका ऐसा कुछ बने, ये आपका ऐसा कुछ बनाएगा, डबल बॉन्ड हो सी एस थ्री, तो ऐसा बनेगा, ये बने बच्चों क्या होगा, जैसे आपने ये रीजन डाल तो क्या बच्चों, ये आपका एसिड में चेंज हो जाएगा, ये आपका एसिड में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों इसका प्रॉपर मैकेनिज्म फिलहाल देखो, अगेन कन्वर्जनल पार्ट है, तो अगेन आपको ये रीजन के पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में नहीं पूछा, बिकॉज ये पार्ट जो आई टू वाला पार्ट है, ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया वाला पार्ट है, आई टू और बेस, ये बच्चों आपका आयोडो लैक्टेशनल पार्ट है, ये बच्चे अभी तक आपका टेस्ट नहीं है। अगर फिर पूछा जाए तो फिर मैं अगेन क्वेश्चन दूंगा, मैं जे के अंदर अगर कुछ क्वेश्चन दिया होगा तो मैं आपको वापस बता दूँ कैसे करते हैं। इसके बच्चों मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म सीख जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। लेकिन बच्चों देखो ये पार्ट तो आप कर सकते हो, ये पार्ट तो आपका हो जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट रिग्ना रीजनल पार्ट कर सकते हो, रिग्ना आर्डर रीजनल पार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कैसे बच्चों, ये आपका एक मीडियम से हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछ सकते हो इस क्वेश्चन के, मैं तो बोलूंगा हार्ड लेवल ही होगा, ये आपका हार्ड लेवल ही होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा अलग ही अलग फील्ड में जा रहा है, तो ये आपको समझना चाहिए। अब बच्चा ज्यादा कुछ नहीं, अभी आपका 51 और क्वेश्चन, टाइम भी जा रहा है तो 51 कर लेते, ठीक है ना। देखो ऑक्टाहेड्रल के बच्चों सीएफसी दिया गया 18,000, बोला गया बच्चों क्या बोला गया, टेट्राहेड्रल कितना होगा बच्चों, हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल कितना होता है, 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, है ना, दैट इज सीएफसी क्या होगा, CFSC of tetrahedral is 4/9 times octahedral, तो क्या करें बच्चों, करेंगे 4/9 into 18,000, तो क्या बच्चों का 9 1s are 2s, तो क्या आएगा आंसर इसका, आएगा 8,000, सिंपल, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी हम आज करने वाले हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बच्चों हम बात करेंगे, सिंपल इतना ही फॉर्मूला है, सिर्फ आपका इतना ही फॉर्म लगने वाला है। तो ये बच्चों बाकी वाला पार्ट बाद में करेंगे, जितना मेन मेन पार्ट था वो मैंने बच्चा को करा दिया, ठीक है ना, ऑर्गेनिक वाला पार्ट, और बाकी जो बच गया बच्चों उसको मैं आपको बाद में कराऊंगा। डन सर बच्चे? यस सर। यस सर। तो चलो बच्चा हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ठीक है, चलो। यस सर। बाय बच्चों, हैव ए गुड डे। और बच्चों 11 बजे आज काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो प्लीज थोड़ा सा बैटरी को चार्ज करके रखना, ठीक है, अपने पास। चलिए बाय सर।